दोस्तों इस वक्त मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारी वीडियोस मुंबई से सामने निकल कर आ रही है जिनको देखकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। यानी MIM का काफिला देखकर सभी लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। एक ही आवाज़ में इम्तियाज़ जलील की हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर और मुंबई की तरफ कूच करने लगे। अभी आप लोगों को ये सब वीडियोज़ दिखाऊँगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आई है। पूरा सोशल मीडिया हैंग करके रख दिया है MIM वालों ने। दरअसल दोस्तों पिछले दिनों रामगिरी महाराज ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद दोस्तों देश भर के अलग अलग हिस्सों में रामगिरी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुआ था, काफ़ी आवाज़ उठ रही थी उसके खिलाफ। और इम्तियाज़ जलील हो, वारिस पठान साहब हो, इन्होंने भी काफ़ी आवाज़ रामगिरी के खिलाफ उठाई कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई FIR यानी FIR तो हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई रामगिरी के खिलाफ नहीं हुई। नीतीश राणा भी चर्चाओं में आया था। नीतीश राणा ने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी थी कि अगर रामगिरी महाराज को उन्होंने कुछ बोला तो सुन लो तुम्हें तुम्हारी मस्जिद के अंदर घुसकर मारेंगे। ये दोस्तों नीतीश राणा ने बोला था, जो कि BJP का विधायक है। जिसके बाद दोस्तों इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि 5 दिन का टाइम है, अगर 5 दिन के अंदर अंदर रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम मुंबई के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे इस रामगिरी महाराज के खिलाफ और नीतीश राणा के खिलाफ। 5 दिन का टाइम दिया था। और दोस्तों इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से तारीख भी जारी कर दी गई थी कि 23 सितंबर को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर। आखिरकार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये करके भी दिखाया जो उन्होंने कहा था। रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इम्तियाज़ जलील साहब ने 23 सितंबर की तारीख रखी थी और 23 सितंबर का दिन आया। इम्तियाज़ जलील ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। आप लोग काफिले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे। तो जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं उनको पहले आप लोग देखिए।